नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। बहुत ही सियासी हलचल तेज हो चुकी है लखनऊ के अंदर, और सबसे बड़ी बात है कि अमर सिंह के बयान से पहले और बयान के बाद, जब उन्होंने बाकायदा फेसबुक के जरिए सीधे तौर पर आजम खान पर हमला किया था, और उसके बाद आज मीडिया से मुखातिब होकर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह, आजम खान, सभी पर एक के बाद एक उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी। लेकिन इसी बीच एक खबर आई कि लखनऊ कचहरी ब्लास्ट केस में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा दी गई, और सूत्रों के हवाले से जो खबर लगातार आ रही है कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने इन आरोपियों को बचाने की कोशिश की थी और बकायदा खत लिखा गया था। समाजवादी पार्टी के ऊपर और भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो सोचा जा सकता है और सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए ये दो जो खबरें हैं किसी झटके से कम नहीं है। इसी खबर पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। और चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार साल 2007 में हुए कचहरी सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपियों पर से मुकदमे वापस लेने की तैयारी में थी। इस तरह की बात सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन अदालत के आदेश ने, जो कल आदेश आया अदालत की तरफ से, अदालत के आदेश ने सरकार की मंशा पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। लखनऊ कचहरी ब्लास्ट मामले में दोषी दो आतंकियों को उम्र कैद की सजा का फैसला दिया गया। 11 साल बाद आतंकियों की करतूत पर कानूनी मुहर लग गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि आतंकियों को 2012 में बचाने की समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोशिश की थी। इससे पहले की बात करें, जो बयान आ रहे थे आजम खान की तरफ, उसके बाद भी आपको हम बताएंगे कि आजम खान पर किस तरह से आरोपों की झड़ी लग रही है। इससे पहले अखिलेश सरकार में संसदीय कार्य मंत्री आजम खान ने कहा था कि सरकार ने हमेशा अदालतों के आदेशों का पूरा सम्मान किया है। इसके बाद कि जो लाइन है, जो सेंटेंस, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, सरकार को कोई बेगुनाह लगता है तो पुलिस जांच कराने के बाद मुकदमा वापस लेती है, यानी कि अदालत का इसमें कहीं कुछ बात नहीं कहा गया है। अखिलेश सरकार ने कचहरी सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों के मुकदमे की वापसी के लिए प्रमुख सचिव न्याय की ओर से अक्टूबर 2012 में जिलाधिकारी को पत्र भी भेजा था। सच्चाई कितनी है, तहकीकात करेंगे, जानेंगे, हमारे साथ मेहमान बने रहेंगे, उनसे बातचीत लगातार करते रहेंगे। लेकिन कल जिस तरह से फैसला आया, 27 अगस्त को जो फैसला आया, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए, अगर इस खबर में सच्चाई है तो उसके लिए झटका है। और किस तरह से आजम खान को लेकर अमर सिंह की तरफ से जो बयान लगातार दिए जा रहे हैं, उन बयानों को भी अगर देखें तो पूरी तरह से साफ समझा जा सकता है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी पर सियासी हमले काफ़ी तेज हो रहे हैं, और जो हमले हो रहे हैं उसे सफाई देने के लिए समाजवादी पार्टी खुद आगे आकर अपनी बात कहने के लिए, फिलहाल अगर बड़े नेताओं की तरफ से कहा जाए तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। चलिए, तो खबर थी कि किस तरह से आतंकियों को उसकी करतूत की सजा मिली, लेकिन इसके बाद देखिए आरोपों की झड़ी जो समाजवादी पार्टी के ऊपर लग रही है, अखिलेश यादव के ऊपर लग रही है, और एक काम कर रहे हैं अमर सिंह, राज्यसभा के सांसद हैं अमर सिंह, उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बयानों के जरिए काफ़ी सक्रिय अपने आप को आप करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए अमर सिंह, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता आजम खान पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने शिवपाल यादव की तारीफ की और खुद को बीजेपी का समर्थक भी बता दिया। इसके अलावा अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप भी लगाए, साथ ही आजम खान को ललकारते हुए कहा कि वो रामपुर आ रहे हैं, आजम खान की हिम्मत है तो उसकी कुर्बानी करके दिखाए। और आप विष्णु का मंदिर बनाएंगे, आपने कहा था कि 4 महीने बाद मुलायम सिंह को पद दे देंगे, दे दिया। आपने कहा था ये बाहरी है, इसकी वजह से झगड़ा है, मैंने तुम्हारे पिता को पैक करके रैप करके दे दिया, बात नहीं करता मुलायम सिंह से, अब तो अंकल नहीं है, एक हो जाओ, किसके सिर पर ठीकरा तोड़ोगे? और
ये समाजवादी पार्टी और उर्फ नमाजवादी पार्टी की परंपरा है। आज सरकार ने ये घोषणा की है कि ड्रोन विधिक है, लेकिन नमाजवादी पार्टी में बहुत दिनों से ड्रोन चलता है। अमर सिंह को गाली देनी है तो किसी ठाकुर को खोजो, मोहन सिंह गाली देगा कोई यादव ना दे। नमाजवादी पार्टी की सरकार में खुली छूट है, एक विशेष समुदाय के लोग आपका घर और अपनी जमीन दखल कर सकते हैं, बहन बेटियों को छेड़ सकते हैं। तीन उपचुनाव क्या जीत गए, फिर हिंदू बेटियों के ऊपर तेजाब फेंकने का लाइसेंस मिल गया। अगर धर्म निरपेक्षता यही है तो नादिर साहब अब्दाली, टैगोर लव और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद गोरी की नस्ल के लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। उस आजम खान को जो यह कहता है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि आज तक तय नहीं हुआ। और वहीं सांसद अमर सिंह यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने खुद को बीजेपी का समर्थक बताया और आम जनता की हैसियत से बीजेपी के साथ अपना जुड़ाव भी बताया, लेकिन समाजवादी पार्टी पर जमकर अमर सिंह बरसते भी नजर आए। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करूंगा और उसके लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं है। 125 करोड़ हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सारे के सारे नागरिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं। एक आम आदमी की तरह मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का खुला समर्थन करूंगा। और वहीं अमर सिंह ने शिवपाल यादव की तारीफ करते हुए कहा कि शिवपाल की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कराने के लिए समय तय उन्हीं ने कराया था, लेकिन शिवपाल नहीं गए। और क्या कुछ कहा उन्होंने शिवपाल के बारे में, सुनते हैं। इसलिए सवाल नहीं उठाया कि शिवपाल यादव आजम खान की तरह मुलायम सिंह नाम के राजनीतिक शिल्पी की मूर्ति है, वो शिल्पकार नहीं है और मुलायम सिंह की वो अच्छी कृति है। उन्होंने किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं उतारी है, तो अनायास उनके विरुद्ध बोलने का कोई कारण नहीं है। और दूसरी बात यह कि शिवपाल जी की राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं, क्योंकि शिवपाल जी के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के उच्चतम स्तर पर बात की थी और समय भी निर्धारित किया था, शिवपाल जी नहीं गए, इसलिए शिवपाल जी के प्रति मेरा कोई राजनीतिक दायित्व नहीं। चलिए, तो लगातार कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस बीच बीजेपी की तरफ से भी इस पूरे मसले पर, जिस तरह से आजम अमर के बीच रार तकरार चल रही है, इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से भी आई, सुनते हैं। ऐसे व्यक्ति से आप किसी प्रकार की मर्यादा की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। मैं तो आजम खान के इस बयान पर टिप्पणी करने से बेहतर समझता हूं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बताएं कि आजम खान की यह टिप्पणी सही है या गलत है। और आजम खान की इस अमानी टिप्पणी पर निश्चित रूप से अगर अखिलेश यादव में जरा भी इंसानियत है और समाज में बहन बेटी के प्रति कोई दायित्व तो है, वो अमर सिंह की बेटियां नहीं हैं, वो समाज की बेटियां हैं। और समाज की किसी बेटी पर, समाज में जिम्मेदार जगह पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस प्रकार के बयान देता है, इस प्रकार की बात कहता है, तो घोर निंदनीय है। अखिलेश जी से भारतीय जनता पार्टी जवाब चाहती है कि आजम खां के इस बयान पर, आजम खां के इस अमानी वक्तव्य पर वह क्या कार्रवाई करते हैं, अगर वह कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्यों न यह माना जाए कि देश में बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की पार्टी में महत्वपूर्ण पद पर बने हुए हैं, जैसा पहले करते रहे। अच्छा, इससे पहले अगर अमर सिंह की तरफ से किस तरह से बहुत ही आजम खान के ऊपर एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगा दी गई, चलिए उसे भी हम आपको सुनाते हैं। अमर सिंह ने आजम खान पर एक के बाद एक कई हमले किए। अमर सिंह ने आजम को रामपुर आने का चैलेंज भी दिया, यही नहीं उन्हें अवसरवादी भी बताया। पत्नी को बहुत इज्जत देते हुए आजम खान के दूर पास की सारी महिलाओं का सम्मान करते हुए मैं आजम खान से अपील करता हूं, मेरी मासूम बेटियों को तेजाब से मत जलाओ, उनको काटो मत, तुम्हें मेरा लहू चाहिए, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, आ रहा हूं आजम खान, बकरीद में तुमने बकरी काटी होगी और पता नहीं क्या क्या काटा होगा, 30 तारीख को 12 बजे मैं मौत के साथ अपॉइंटमेंट करके कुर्बानी का, तुम्हारे बलि का सामान बनने के लिए आ रहा हूं, मेरी गर्दन काट लेना,
अपनी रक्त पिपासा को रक्त पिपासु दैत्य आजम खान अपनी क्षुधा की आपूर्ति कर लेना। इससे अधिक एक व्यथित पिता को, एक दुखी पिता को और कुछ नहीं कहना। पत्नी को राज्यसभा नहीं भेजा, मैं अवसरवादी हूँ क्योंकि मेरी कोई औलाद विधायक नहीं है। मैं अवसरवादी हूँ क्योंकि मैंने करोड़ों अरबों खरबों रुपये का घोटाला करके कोई अपने बाप के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं बनाया जिसका मैं आजन्म कुलाधिपति बना हूँ पिछले दरवाजे से। मैं अवसरवादी हूँ क्योंकि मैंने ये सब नहीं किया है। तुम वजीर बने वजारत किए, तुम्हारी बेगम राज्यसभा में है, तुम्हारी औलाद विधानसभा में है, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति दूर का संबंध। तो अमर सिंह पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में कई तरह की संगीन आरोप भी आजम खान के ऊपर उन्होंने लगाया है, लेकिन बौखलाहट में सच्चाई कितनी है। साथ ही साथ जो एक खबर आ रही थी कि लखनऊ कचहरी ब्लास्ट में 2012 में आरोपियों को बचाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई थी, इन दोनों मामलों को अगर एक साथ देखने की कोशिश करें तो वाकई में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। इस वक्त तीन मेहमान हमारे साथ हैं, कुमार गौरव तिवारी बीजेपी के नेता, कुमार साहब स्वागत है आपका, विभा शुक्ला जो कि समाजवादी पार्टी की नेता हैं, विभा जी स्वागत है आपका, और विनोद शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम विभा जी के पास चलेंगे, समाजवादी पार्टी की नेता हैं। विभा जी, अमर सिंह का जो बयान है इसे सियासी बयान के नज़रिए से देखने की ही कोशिश की जानी चाहिए। मैं अगर किसी से पूछें तो चुनाव से पहले इस तरह के बयान अगर आ रहे हैं तो पूरी तरह से सियासी बयान ही होती है, लेकिन जिस तरह से बौखलाहट या कह सकते हैं कि पूरी तरह से उन्होंने हमले बोल दिए हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, अखिलेश के ऊपर उनका निशाना है, आजम खान के ऊपर उनका निशाना है, मुलायम के ऊपर कभी निशाना नहीं साधते थे, आज मुलायम के ऊपर भी निशाना साधते नजर आए, लेकिन शिवपाल यादव की उन्होंने बड़ी तारीफ की। विभा जी देखिए, सबसे पहली बात, जो अमर सिंह की आज राजनीतिक पहचान है वो केवल समाजवादी पार्टी की के कारण ही है, और उनका कोई, ये सबको पूरा जग जाहिर है कि उनका कोई वोट बैंक नहीं है। ये पूरी तरीके से मैं कहूंगी कि इनका बीजेपी से ग्रसित बयान है, बीजेपी सामने आके कुछ नहीं बोल रही। विभाजी मैं आपत्ति करूंगा उनके लिए। विभाजी मैं आपके इस बयान पर आपत्ति कर, इसका मतलब आपकी पार्टी ऐसी है कि जिसके पास वोट बैंक है वही आपकी पार्टी के लिए इम्पोर्टेंस रखता, और ऐसा कोई शख्स आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता जो आपकी पार्टी से सालों सालों तक जुड़ा रहा, मुलायम के करीब रहा, अखिलेश के करीब रहा, और बकायदा उन्हें बहुत इज्जत दी जाती थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, आज वोट बैंक की बात कहां से उठ गई विभाजन? नहीं, मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी में हर तरीके के लोगों की इज्जत है, लेकिन मैं कहूंगी कि जिस तरीके से अमर सिंह का बयान है, क्या आपको लगता है कहीं इनकी इज्जत होनी चाहिए? जिस तरीके से ये नेताजी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, जो शब्द इनके हैं, आपको लगता है कि देश का कोई भी व्यक्ति इनकी इज्जत करेगा? तो मैं कहूंगी कि अमर सिंह अपने शब्दों के ही घेरे में है, और यही जवान लोगों को मिठाई खाती है, और मैं शब्द नहीं यूज करना चाहूंगी, यही जवान बहुत कुछ करवाती है। तो अमर सिंह के जो वक्तव्य हैं, अमर सिंह के जो बयान हैं, वो पूरी तरीके से जो है गलत है, और गलत विभाजी गलत आप कह रही हैं, गलत विभाजी देखिए गलत आप कह रही हैं। मुलायम सिंह यादव की तरफ से कोई बयान नहीं, अखिलेश यादव की तरफ से छोटे मोटे बयान आते हैं, कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है, पता नहीं पिक्चर में क्या है वो कुछ खुल करके बताना नहीं चाहते। शिवपाल यादव की तारीफ ही कर दी तो शिवपाल यादव वैसे ही प्रेशर में आ गए, वो कुछ कहेंगे नहीं। चलिए हम कुमार गौरव जी के पास चलते हैं। अब कुमार जी एक बात बताएं कि जब 2007 में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, हम देखिए दोनों खबरों को बहुत जोड़ करके हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम बस इतना जानना चाह रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें सच्चाई है या नहीं है, या फिर बरगलाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि चुनाव है और इस तरह से बरगलाने का काम हर सियासी पार्टियां करती हैं, और आपके ऊपर भी इस तरह के आरोप जरूर लगेंगे। कुमार साहब मैं जानना चाहता हूं, थोड़ा सा बताएं, हमारे पास तो सूत्रों के हवाले से ही खबर आती है और हम लोग वही बताते हैं, हम लोग के पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी इस हिसाब से नहीं होती है जैसी जानकारी आप लोगों के पास रहती होगी। 2007 में लखनऊ सीरियल ब्लास्ट हुआ, 2012 में इस तरह की चीज़ें अब आ रही कि 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन आतंकियों को बचाने की कोशिश की जिसे कल 2 को उम्र कैद की सजा दी गई। मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कि इस खबर में सच्चाई कितनी है और कितनी पुख्ता जानकारी आपके पास है, और कुछ सबूत वबूत है, या फिर वैसे ही बस आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव से पहले इस तरह के आरोप लगाने
चूंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक धर्म होता है, इसलिए आप अपना धर्म निभा रहे हैं। देखिए, धर्म तो निभाया जा रहा है जी, जो चीजें थी उन पे जो न्यायपालिका के पटल से निर्णय आया है वही सच्चाई है। पूर्व में भी उसको कहा गया था, लेकिन जिस तरीके से एक मुस्त तानाशाही कह ली जाए, या मैं एक शब्द का प्रयोग करूंगा जी, मोहम्मद आजम खां के लिए, नहीं नहीं देखिए तरीके से राजनीति, कुमार साहब हम आएंगे उस पर हम आएंगे, थोड़ा सा मेरे सवाल का जवाब दे। 2012 में क्या हुआ था आप लोगों को पता होगा, कुमार साहब क्यों नहीं कहना चाह रहे हैं, है ना, अखबारों में खबरें छप चुकी है, हम लोग सारी चीजें बता रहे हैं, आप लोग कहें अपने मुंह से बताएं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब अखिलेश की सरकार थी बचाने की कोशिश कर रही थी 2007 में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था लखनऊ कचहरी के अंदर, थोड़ा सा आप सिलसिलेवार बताएं आप इस चीज को कि हुआ था समाजवादी पार्टी सरकार में इस तरह की चल रही थी बातें, लेकिन अब जब सजा का ऐलान कर दिया गया तो उसकी मंशा पूरी तरह से फेल हो गई। नहीं, मनसा फेल हो गई वो भी स्पष्ट है, और दूसरी चीज की निर्णय आ जाने के बाद जी मैं किसी न्यायपालिका के निर्णय पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो निर्णय आया है वो पूरी तरीके से उनके पूर्व की बनाई गई जो मनगढ़ंत कहानी थी, या जिस तरीके से बचाओ वो करना चाह रहे थे, क्या बात, वो सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी है। ये क्या बात कर रहे हैं, नहीं तो क्या आप बताएं क्या इसमें असलियत क्या है, अगर वो कुछ गलत कह रहे हैं तो विभा जी बोलिए, कोई असलियत सिर्फ एक कह देने से काम नहीं चलेगा, क्या बात कर रहे हैं भाई, ये लोग हमेशा से झूठ बोलते चले। रुके झूठ सच क्या है, मैं विनोद जी से पूछ लेता हूँ। विनोद जी थोड़ा सा बताएं, हम लोग पत्रकार हैं, पत्रकारों के पास कई तरह की इन्फॉर्मेशन, कई तरह की खबरें आती हैं, जनता को रूबरू सच्ची खबरों से कराने का हम लोग का धर्म है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज धर्म को निभाए या ना निभाए। थोड़ा सा विनोद जी बताएं कि हुआ क्या था 2007 में, क्या हुआ था ये भी बताएं, इन लोगों को नहीं बता पा रहे हैं दोनों, 2012 में क्या हुआ था और 2018 में क्या हुआ है, और कौन है इसके लिए जिम्मेदार, अगर सवाल उठ रहा है तो जिम्मेदार है कौन, और जिम्मेदारी लेने से भागना नहीं होगा बल्कि जिम्मेदारी लेनी होगी अगर कोई जिम्मेदार है तो। विनोद जी बताएं। देखिए, आज का जो समय है, जो आज अमर सिंह जी बोले हैं, उसके पीछे राजनीतिक के साथ साथ उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ा है। आपने देखा होगा, सबसे पहले मुलायम सिंह जी बोले, उसके बाद शिवपाल जी बोले, दोनों ने अपना दर्द जताया जी। अमर सिंह जी ने अपना दर्द जताया क्योंकि अमर सिंह जी और आजम खां पहले से ही आमने सामने सामने हैं, जब पार्टी में एक ही थे तो मुलायम सिंह ऐसे थे जो दोनों को बैलेंस करके चलते थे, उसके बावजूद दोनों में खुलकर नोकझोंक होती थी। आज की परिस्थिति ये है कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने जय अमर सिंह जी का नाम लिया, उसके बाद से अमर सिंह जी सक्रिय हुए हैं। नहीं ठीक है, हम सवाल देखिए विनोद जी, हम इस पर आएंगे, हम सवाल कुछ और पूछ रहे हैं, लखनऊ कचहरी ब्लास्ट में क्या हुआ जी, नहीं खबरें हम लोग पढ़ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं, 2007 में क्या हुआ, एक एक लाइन में बताएं ना कि 2000 सरकार को बताएं, सरकार भी एक तरह से बैठी है और विपक्ष भी बैठा हुआ है, दोनों को बताएं कि 2007 में क्या हुआ, 2012 में क्या हुआ और 2018 में क्या हुआ। कहीं लिंक था जिसको बाद में एक तरीके से तथ्यों को धूमिल रखा गया, नीचा रखा, गोपनीय रखा गया, और जब नई सरकार आई तो उन्होंने इस जांच को धीमा ही रखा। अब जब ये सामने आया है मामला, तो फिर लिंक को क्लियर करने में भाजपा भी झिझक रही है, और सपा तो कहेगी क्यों, और बीएसपी चूंकि गठबंधन का हिस्सा है इसलिए एक राजनीतिक समीकरण इस तरह के हैं कि वो एक धार्मिक और जातीय दोनों के मुद्दों में फंसा हुआ है जी। चलिए मैं समझ गया, इस मामले पर ना तो समाजवादी पार्टी की तरफ से खुलकर कुछ कहा जाएगा, ना बीजेपी ही कुछ कहना चाहेगी चाहे भले वो सरकार में हो, बिल्कुल, और ना आप भी, आपने क्लियर कट कर दिया कि देखिए जो 2007 में ब्लास्ट हुआ था 2012 तक आते आते केस को बहुत धीमा कर दिया गया, अब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो इस केस में तेजी लाई गई, और जो आरोपी था उसके ऊपर दोष सिद्ध होता था कोर्ट ने वही फैसला दिया कि दोष है, दोषी है दोनों, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। चलिए इस मैटर को हटाते हैं, इस पर वाक युद्ध चलेगा, इस मैटर को हटाते हैं, सीधे अब विभाजी के पास आते हैं। विभाजी, आप कह रहे थे कि क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे थे ना क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात करनी चाहिए, अमर सिंह ने खुलकर तो कह दिया सारी चीजें कि आजम खान इस मानसिकता के हैं, मुलायम सिंह यादव इस मानसिकता के हैं,
अखिलेश यादव ने क्या किया पूरी दुनिया भी देख रही थी। अगर दो तीन बातों को अगर देखा जाए तो उसमें सच्चाई तो उनकी बातें दिख रही हैं कि अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम के साथ क्या किया, मां ने अपमानित करने का भी आरोप लगाया था, ये भी पूरी तरह से मीडिया में खबरें आई थी। शिपाल यादव के साथ क्या हुआ ये कहने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जा रहे हैं कि सभी लोगों को पता है कि शिपाल यादव किस तरह से दुखी हैं, अभी तक उन्हें किस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। मैं जानना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी हारने के बाद अब किस मंथन से गुजर रही है, मंथन क्या कर रही है। इस घटनाक्रम में एक और खास बात है कि इस समय देखिए मैं रामगोपाल जी शांत हैं। जी 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 विभाजी बताइए आप। मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को 2019 की तैयारी में हो, किस तरीके से पार्टी की रणनीति बनेगी, कैसे पार्टी आगे जाएगी और समाजवादी विचारधारा आगे बढ़ेगी उस पे फोकस कर रहे हैं। और अमर सिंह जी मैं कहूंगी कि अमर सिंह को तब दिक्कत क्यों नहीं थी जब राज्यसभा सांसद बनाए गए, अमर सिंह को तब दिक्कत क्यों नहीं थी जब समाजवादी पार्टी से उन्होंने बहुत सारे तो अब क्यों दिक्कत तो होने लगी विभाजी, हमेशा अचानक अमर सिंह कोई असर नहीं होता, वो देते रहे विवादित बयान। नहीं अचानक अमर सिंह को क्या हुआ कि मुलायम सिंह के पीछे पड़ गए, अखिलेश यादव के पीछे पड़ गए, आजम खान तो खैर पार्टी में थे तभी आजम खान और अमर सिंह के बीच में चलता रहता था, सियासी वार तकरार होता रहता था, लेकिन अब अखिलेश भी निशाने पर आ गए, मुलायम सिंह यादव भी निशाने पर आ गए, पूरी पोल पट्टी खुल रही है समाजवादी पार्टी की। कुछ है आप लोगों के पास सफाई देने के लिए? अखिलेश यादव कह रहे हैं पिक्चर भी बाकी है, मुलायम सिंह कुछ कहें, रामगोपाल यादव कुछ कहें। मैं अमर सिंह जी के लिए कहूंगी कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद नहीं करना चाहिए। तो घर की बातों को जी यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है या कुछ भी कहीं पे भी यदि आप किसी के मित्र हैं तो उसको पूरी तरीके से मित्रता में आइए, ना कि उसका गला काटना चाहिए। और अमर सिंह के बयान, अमर सिंह पूरी तरीके से मौका परस्त आदमी है, जिस तरीके से आज वो बीजेपी के दामन में जाके जो है समाजवादी पार्टी की बुराई कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक भविष्य तराश रहे हैं। कौन कह दिया आपको, कौन कह दिया अमर सिंह, कौन कह दिया विभाजी, कुछ नहीं है विभाजी, आपको कहां से पता चला विभाजी, आपको कहां से पता चला कि अमर सिंह पार्टी के खिलाफ, विभाजी आपको कहां से पता चला कि अमर सिंह बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, बीजेपी के दामन में, कहां से पता चला आपको? हम पूछ ही लेते हैं, कुमार जी से पूछ लेते हैं। कुमार जी, अमर सिंह क्या बीजेपी के साथ हैं? कह रहे हैं कि हम बीजेपी का समर्थन करेंगे, लेकिन क्या बीजेपी के साथ हैं? या आप लोगों के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने उन्हें प्लांट किया है, हालांकि अमर सिंह को प्लांट नहीं किया जा सकता, उन्हें किसी प्लानिंग के थ्रू भले ही उनका इस्तेमाल हो सकता है, क्या इस तरह से बीजेपी कुछ कर रही है क्या अमर सिंह के साथ? देखिए, पहले जो उनकी पीड़ा उजागर हुई है चर्चा उस पर की जाए, ना ही भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरीके का प्लान करती है जी। और कल भी मैंने इस बात को आपके चैनल पर स्पष्ट किया था कि अमर सिंह के कद के लगभग 10 कद्दावर नेता इस कड़ी में प्रतीक्षारत हैं। उन्होंने अपने बयान में स्वीकार भी किया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की आवश्यकता। चलिए बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया विभाजी, विभाजी को क्लियर हो गया। कुमार साहब विभाजी, विनोद जी, आप तीनों बने रहे हमारे साथ। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप तीनों के पास लौटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अमर की वाणी या कह लें अमर का दर्द कितना बड़ा झटका हो सकता है अखिलेश यादव के लिए। मुलायम सिंह यादव तो खुद ही दुखी रहते, अब कह चुके हैं कि अब मेरा सम्मान नहीं होता, शायद मेरे जाने के बाद सम्मान हो। शिपाल यादव की तारीफ हो रही है, रामगोपाल यादव खामोश हैं। इस बीच में कई तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी लग रही है क्या, अगर मंथन करें तो निकलेगा क्या? ब्रेक के बाद देखते हैं, कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। अमर सिंह पूरी तरह से भड़के हुए हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर।
आजम खान को जवाब देते देते, आजम खान को चुनौती देते देते उनका निशाना अखिलेश यादव पर आ गया, उनका निशाना मुलायम सिंह यादव के ऊपर आ गया। लेकिन इस बीच में उन्होंने बहुत ही चालाकी से शिवपाल यादव की तारीफ कर दी। यहाँ से मामला थोड़ा ट्विस्ट होता है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है, सीधे तौर पर अमर सिंह ने कहा कि हम बीजेपी का समर्थन करते रहेंगे, जैसे 125 करोड़ जनता बीजेपी का समर्थन करती है उसी हैसियत से मैं भी बीजेपी का समर्थन करूंगा, बीजेपी में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे बयान पर थोड़ा सा गौर करें। तीसरी बात जो नज़र आई इस पूरे मामले में कि समाजवादी पार्टी की का कोई भी बड़ा नेता इस पर सफाई देता हुआ नज़र नहीं आया। दरअसल क्या कुछ चल रहा है, अंदर अंदर क्या कुछ पक रहा है, सियासी खिचड़ी किस तरह से पक रही है। लखनऊ में इस वक्त सियासी सरगर्मियां तेज़ बिल्कुल हो गई है, लेकिन पता कुछ नहीं चल रहा। बहुत ही खामोशी के साथ हर पार्टियां इस पर नज़र रखी हुई, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो या कांग्रेस हो। इस बीच में समाजवादी पार्टी सरकार के ऊपर आरोप लगा कि 2007 में जो लखनऊ कचहरी ब्लास्ट हुआ था, 2012 में अखिलेश यादव ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की थी, मुकदमे वापस लेने की कोशिश करवाई गई थी, बकायदा खत लिखा गया था मुख्य सचिव के जरिए जिलाधिकारी को। इस तरह की खबरें, सच्चाई क्या है जानने की कोशिश कर रहे हैं। तीन मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता कुमार साहब हैं, विभा जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता, और विनोद शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। विनोद जी के पास चलेंगे। विनोद जी एक बात मुझे थोड़ा सा समझाएं, क्या जो प्रकरण चल रहा है अमर सिंह लगातार निशाना साध रहे हैं, इसके बाद सरकार के ऊपर समाजवादी पार्टी की सरकार के ऊपर भी निशाना साधा गया कि 2012 में उसकी तरफ से क्या किया जा रहा था, इसके बाद तो एक ही सवाल उठता है ना कि चुनाव है तो चुनाव से पहले हर पार्टियां अपना चेहरा बदलती है और उसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने भी अपना चेहरा बदलना शुरू कर दिया है, लेकिन इस चेहरे की जो अंदर की जो बात है वो निकल कर अब सामने आ रही है अमर सिंह के जरिए। जी बेसिकली जो अब चुनाव होना है उसकी चुनावी रणनीति के तहत, क्योंकि रामपुर आजम खां का गढ़ है और उस क्षेत्र में कभी जयप्रदा जो इनके साथ थी वो चुनाव लड़ी थी, वो एक टीस भी है, और राजनीतिक रूप से आने वाले समय में आजम खां को एक किले में, जो जैसे सपा के जो दिग्गज हैं जो वोट बैंक का एक तरीके से दावा करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे वोट बैंक है, उनको घेरने की रणनीति का एक हिस्सा भी है अमर सिंह जी का ये बयान। और साथ के साथ आपने देखा होगा कि इस पूरे एपिसोड में या काफ़ी दिनों से प्रोफेसर रामगोपाल जी शांत हैं जी, और शिवपाल जी अपना दर्द बयान कर चुके हैं, तो पार्टी में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो अप्रत्याशित है। आप देखिए कि मुलायम सिंह जी अपना दर्द बयान कर चुके, वो इस समय सक्रिय राजनीति में लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे ये कह चुके हैं कि वो अपने क्षेत्र से वापस आएंगे, और प्रोफेसर रामगोपाल भी चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं, उषा संभल से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं जी, और साथ साथ शिवपाल जी भी कह चुके हैं कि मुझे भी लोकसभा चुनाव लड़ना है, वो एक संकेत दे चुके हैं, लेकिन उसके लिए शायद अखिलेश जी तैयार नहीं है कि वो उनके कहीं से चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन एक बात आई थी चर्चा के दरमियान ही किसी समाजवादी पार्टी के नेता से हमारी तरफ से सवाल पूछा गया था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अमर सिंह वाज प्लांटेड बाय द बीजेपी एंड आरएसएस। इस सवाल पर हम चलेंगे कुमार साहब के पास। कुमार साहब, ये आरोप एक समाजवादी पार्टी की नेता की तरफ से लगाया गया था कि अमर सिंह को प्लांट किया गया है, और वह बीजेपी की तरफ से और आरएसएस की तरफ से जो बैकिंग मिल रही है उन्हीं की तरफ से मिल रही है, और इसीलिए अब इतने ज़ोर ज़ोर से वो आरोप भी लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, क्योंकि बड़ा फायदा होने की गुंजाइश यहाँ पर नज़र आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया, थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ आपसे कुमार साहब। देखिए, स्वतंत्र है वो आरोप प्रत्यारोप के लिए, लेकिन पहले जो तथ्यपरक आरोप और जो एक बाप की पीड़ा बतौर पिता अमर सिंह जी ने लगाई है जी जी, उसको स्वीकार करें, जो स्पष्ट रूप से दिख रही है व्यवहारिक रूप से। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वही पौध लगा रही है जिस पौध को उनके पिताजी ने लगाया था, तो पहले तो उसका निराकरण हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना, तो हमने कहीं से ये प्लान नहीं किया था। वो ये भी कह सकते हैं कि एक कदम और आगे आके कि आजम खान से बयान दिलवाने में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्लान रहा होगा, जिससे आने वाले 2019 में इस बयान का उपयोग माननीय अमर सिंह जी करें
पांच चीजें किसी पे साधारणतया आरोप प्रत्यारोप में तब्दील कर दी क्या 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 कहना चाह रही हैं विभा जी? विभा जी क्या कहना चाह रही हैं, बोलिए आप। लेकिन देखिए, सबसे पहली बात मैं अपने बीजेपी के बड़े भाई से कहूंगी, देश में सभी की बेटियां सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, ये मैं कामना करती हूँ। लेकिन जिस तरीके से आज बीजेपी के बड़े भाई कह रहे हैं कि अमर सिंह की बेटियां मेरठ में बेटी जला के रख दी, जला केरोसिन जला के रख दी गई, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, आए दिन बेटियों का हाथ काट दिया जा रहा है, कोई बात नहीं हो रही है। आप देखिए देवरिया कांड पे कुछ कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा है, साल भर से बंद कैंसिल होने के बाद ये बेटियों की खरोत परोत हो रही थी, कोई बात नहीं है। लेकिन अमर सिंह की बेटी पे या अमर सिंह के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है बीजेपी, ये गंभीर बात है। आप किस तरह की बात कर रही हैं विभा जी? आप किस तरह की बात कर रही हैं? आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते चाहे अमर सिंह की बेटी रहे, चाहे अमर सिंह की बेटी रहे, मेरी बेटी रहे या आपकी बेटी रहे, बेटी सब सबकी बेटियां एक जैसी है विभा जी। लेकिन आप नहीं, आप डिफरेंसेस आप डिफरेंसेस क्यों क्रिएट करना चाह रही हैं विभा जी? नहीं, ये मानसिकता विभा जी क्या विभा जी मेरी बात सुने, यही मानसिकता क्या समाजवादी पार्टी की है? आजम खान पर अगर आरोप लगा रहा है तो आप लोग सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं और यहाँ पर डिफरेंसेस क्यों पैदा कर रहे हैं बेटियों के बारे में? क्यों सुनूं विभा जी? आप क्या कह रही हैं कि अमर सिंह की बेटियों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? आप मेरे बयान को सुनिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नहीं, अमर सिंह की बेटियों पर ध्यान दिया जा रहा है, बाकी बेटियों पर ध्यान नहीं। क्या कह रही है विभा जी? आप मेरे बयान को सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं विभा जी, लेकिन एक डिफरेंसेस आपकी मानसिकता बताती है, आप एक महिला है विभा जी। आप क्यों बोल रहे हैं इस तरीके से? आप मेरे बयान को सुन नहीं सकते क्या? क्या क्या बयान है आपका? आपका बयान क्या है विभा जी, बताइए एक बार फिर से। पूरा देश सुन रहा है, मुझे मत सुनाए आप, पूरा देश सुन रहा है आपको। देश में सबकी बेटियां सुरक्षित हो, लेकिन जिस तरीके से मेरठ की बेटियों पे बात नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है बीजेपी? रोज बलात्कार हो रही है, क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? केवल अमर सिंह को प्लांट करके काम करेगी क्या? 2019 शादीगी क्या? नहीं, अगर अमर सिंह आरोप लगा रहे हैं तो अमर सिंह की अपने बयान में पहले ही कह दिया है जी। आप मेरे बयान को सुनिए, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि देश में सभी पिता की बेटियां सुरक्षित हो, उसमें अमर सिंह भी आते हैं। मैं उनके आप किसी की बेटी को, मैं खुद बेटी हूँ, मैं खुद बहू हूँ। आप बयान को सुनिए, उसमें यही जानना चाह रहे विभा जी। लेकिन विभा जी इसके बाद जवाब दीजिए, आजम खान के ऊपर आरोप लगा है तो आजम खान के बारे में ही तो कुछ कहें, क्यों नहीं कह रही हैं आप आजम खान के बारे में? बोलिए कि अगर आजम खान ने इस तरह का बयान दिया है, इस तरह की बात उनकी तरफ से की गई है, तो आप उसकी भर्त्सना कीजिए, आप तुरंत कीजिए, अभी चैनल के पास, चैनल के ऊपर कीजिए आप विभाजी। कोई भी विवादित बयान देश के लिए महिलाओं के खिलाफ सहन नहीं किया जाएगा, ये निंदनीय है सबसे पहली बात। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से बीजेपी के शासनकाल में महिलाओं की अनदेखी हो रही है, आप देखिए देवरिया कांड पे कोई बात सरकार करना नहीं चाह रही है, मेरठ की लड़की का हाल आपने देख लिया है, और किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता होती जा रही है सरकार में, तो बीजेपी को इसका कोई ध्यान नहीं है। और मुख्यमंत्री जी विधानसभा विभाजी समाजवादी पार्टी की सरकार जब तक थी लगता है भूल गई आप सब, कितनी घटनाएं हुई उस कितनी घटनाएं उस वक्त हुई लगता है सब कुछ भूल गई आप। मुख्यमंत्री झूठ बोलेगा, सब कुछ भूल गई आप। विनोद जी तो क्या महिला विनोद जी सिंह तो डरेंगे ही, आप बीच में बोलना शुरू कर दें। थोड़ा बताएं विभाजी को कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी महिलाओं के क्या हालात थे। विभा जी इस वक्त कह रही हैं यहाँ की घटना वहाँ की घटना, सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन हाँ डिफरेंसेस इनको दिख रहा है, डिफरेंसेस इनको दिख रहा है कि अमर सिंह की बेटियां अलग हैं, बाकी बेटियां अलग हैं। थोड़ा बताएं समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बेटियों की क्या हालत थी, बताएं इनको विभा जी को। बुलंदशहर में कितनी दर्दनाक घटना हुई, बिल्कुल बदमाशों ने महिला के साथ रेप करके उसको खेत में ले जाके उसको फेंक दिया था और उसके घर वालों को का मर्डर कर दिया था। ये कितनी बड़ी घटना हुई थी वहाँ पे, और ऐसी कई घटनाएं वहाँ पे पूर्वांचल में हुई थी जिनकी वजह से पूरे प्रदेश में काफी अराजकता का माहौल था और आंदोलन करने पड़े थे राजनीतिक दलों को। उस समय जो पार्टी कांग्रेस जो उनके साथ थी चुनाव में, वो उसके बाद फिर अलग थलग पड़ गई थी, उनके विरोध में आ गई थी, बाद में वही कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो गई थी चुनाव में। नहीं तो आज की बात हो रही है विभा जी, आज की बात हो रही है, आज नहीं आज की बात हो रही है, हम घटनाओं पर ना जाना चाहें विभा जी, घटनाओं पर ना जाएं आप, अपराध महिलाओं के प्रति
प्रति बढ़ गया। आप घटनाओं पर ना जाएं, आप सिर्फ इतना बताएं कि जो मानसिकता है आजम खान के ऊपर जो आरोप लगाया गया, अगर यही मानसिकता इसी मानसिकता के साथ, चाहे किसी की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की हो, बीजेपी की हो, अगर इस मानसिकता के साथ कोई नेता अगर किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है तो उस पार्टी के अंदर कानून व्यवस्था का क्या हल होगा, महिलाओं का क्या हाल होगा, इस चीज पर चर्चा करें ना विभाजी आप। देखिए मैं कहूंगी कि जिस तरीके से महिलाओं को हमेशा जो है एक केंद्र बना के उस पर टिप्पणी की जाती है बहुत ही निंदनीय है, और महिलाएं यदि जाग गईं, इस देश की आधी आबादी हैं, तो सारी सरकारें खतरे में आ जाएंगी, मैं आपको बताऊं। चलिए ठीक है, देखते हैं दरअसल इसमें और कितनी सच्चाई है। बीजेपी की सरकार इस वक्त है, बड़े बड़े दावे भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, तब भी घटनाएं हो रही हैं। विभाजी अगर सवाल उठा रही तो गलत नहीं है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस वक्त घटनाएं हो रही थी, उस वक्त बीजेपी के नेताओं की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं। कुमार साहब, बीजेपी की सरकार में घटना हुई है, कुमार साहब मैं घटनाओं में नहीं जाना चाहूंगा, बिल्कुल मेरा इशू भी नहीं है, आज का मेरा टॉपिक भी नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कुमार साहब कि जब अमर सिंह की तरफ से आरोप लगाया जाता है, जिसे विभाजी आप कह रही थी अभी कि बेटियां किसी की भी हो सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन आजम खान के ऊपर इतना संगीन आरोप, आजम खान खुद आकर क्यों नहीं कह रहे कि जो कहा जा रहा है सब गलत है? अगर उन्होंने कहा भी है तो बहुत क्लैरिटी के साथ क्यों नहीं कह रहे इस तरह की चीज़ों को? इस तरह से आजम खान मीडिया के सामने आकर कभी फेसबुक के जरिए अपने दर्द को बिल्कुल दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे है क्या, दरअसल दर्द है, वाकई में दर्द है, दर्द उनके साथ ऐसा हुआ है, या फिर कुछ प्लान किया जा रहा है, एक रणनीति रची जा रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी के प्रति उंगली उठे, कुछ भी हो, मैं आपके ऊपर नहीं उठा रहा हूँ, आप अपने बारे में ना समझें। क्या लग रहा है आपको कुमार साहब? सारी बात का एक दो लाइन में सारांश देना चाहूंगा। आजम खान साहब, किसी ने पूछा मौसूकी को किसने देखा, तमाशाई बने हो तुम, तमाशा कौन देखेगा, नजीर आती है तो आने दो, जवानी तुमने देखी है बुढ़ापा कौन देखेगा, जो किया है उसी का प्रतिफल निकल के सामने आ रहा है। आजम खान जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो पूरे समाजवादी पार्टी की अब तक की व्यवस्था को खोल के रख देता है। सेंगर साहब को भूल गया क्या? क्षमा चाहूंगा, गलत बात नहीं, गलत बात। क्षमा चाहूंगा, जब आप बोल रही थी विभाजी तो मैं धैर्य पूर्वक सुन रहा था, सुनने का मद्दा रखा करें, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। नहीं, बोलिए कुमार साहब, क्या पॉइंट वाली बात बताएं। कविताओं के जरिए कई बातें समझ में नहीं आती हैं, सीधे सीधे पॉइंट पर बात करें, फैक्ट्स बताएं कुमार साहब। मुझे भी नहीं आई समझ में, इसीलिए बोला। फैक्ट्स बताएं, फैक्ट्स क्या कहना चाह रहे थे? एक पिता का दर्द छलका है जी, उसकी संवेदनाओं के माध्यम से, उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि क्या कहा था आजम खान ने। जब ये सत्ता में होते हैं तो किस कदर पेश आते हैं, जब ये हुकूमत में होते हैं तो कितना बेटियों का सम्मान तोड़ते हैं, वही सच्चाई उजागर हुई है अमर सिंह के माध्यम से, उसको स्वीकार करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खान साहब, इस बात को स्वीकार करें, और कोई एक आम आदमी नहीं कह रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है जो उच्च सदन का सदस्य है, जो राज्यसभा का सदस्य है। क्या कहना चाह रहे हैं विभाजी? देखिए, सबसे पहली बात, मैं उस बेटी का, मैं सारी बेटियों का सम्मान करती हूँ फिर, और आज बीजेपी के प्रवक्ता बहुत भावुक हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी इसी क्या कहते हैं मुख्यमंत्री के आवास के सामने जब बेटियाँ जो हैं न्याय मांगते मांगते अपने आप को जलाने की कोशिश करती हैं,
सेंगर साहब के बलात्कार के ऊपर आरोप लगने के बाद साल भर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। विभाजी, विभाजी अब कहां की बात कर रही है? कृपया करके दिया जाता है। विभाजी कृपया करके घटनाओं की बात ना करें, हम मानसिकता की बात करें। झलक नहीं करता, हम मानसिकता की बात कर रहे हैं। हम मानसिकता की बात करें, समाजवादी की मैं बात कर रही हूं। हम ये जानना चाहते हैं, प्लान कर रही है नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। विभाजी अब आप लोगों के ऊपर समाजवादी पार्टी के अंदर का ही एक बड़ा नेता आप लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बड़े बड़े संगीन आरोप लगा रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि अब थोड़ी देर पहले एक समाजवादी पार्टी के नेता आए थे, उन्होंने कहा कि हम तो अमर सिंह को पहचानते तक नहीं, कौन है वो? पूरी दुनिया जानती है कि अमर सिंह कौन है, मुलायम सिंह कितने करीबी रहे। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के अनुशासनहीनता के नाते निकाले जा चुके हैं, सबसे पहली बात। और अमर सिंह के जो भी बयान है उस पर बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमर सिंह केवल विवादित बयान चर्चा में आने के लिए देते हैं। मतलब इस बयान से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, यही कहना चाह रही है ना विभाजी? बिल्कुल नहीं है। और अगर आजम खान ने अगर अमर सिंह के साथ इस तरह से बातचीत की है, इस तरह के जो दावे किए जा रहे हैं अमर सिंह की तरफ से, अगर उसमें सच्चाई निकल गई तब विभाजी क्या करेंगी आप? इस पर थोड़ा चर्चा करें। देखिए यहाँ से भाग रही हैं आप, सुनिए आजम खान नहीं, मुझे एक बताएं, समाजवादी पार्टी के अंदर क्या आजम खान की खिलाफत करने वाला कोई नहीं है? उनका विरोध करने वाला कोई नहीं है? आजम खान की तरफ से अगर कुछ गलत किया जा रहा है, कोई विरोध करने वाला नहीं है? विभाजी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए किसी भी नेता, कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति यदि गलत करता है तो उसका विरोध निश्चित है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने आजम खान जी के व्यक्ति जो भाषण पे विवाद आ रहा है, मैंने उस भाषण को नहीं सुना है। और अमर सिंह का आपने दिखाया है, आजम खान का मुझे कुछ भी भाषण नहीं पता है। यदि उन्होंने ऐसा कोई भी भाषण दिया होगा या मैं जब आप मुझे दिखाएंगे तो मैं उसको सुन के पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। चलिए विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद, शायद जानकारी आपको थोड़ी सी कम है विभाजी, लेकिन विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी थोड़ा समझाएं पूरे घटना को, समझाएं थोड़ा सा इन लोगों का दिमाग खोलें। एक्चुअली में कई घटनाओं से के बारे में जानकारी नहीं इन लोगों को है, तो फिर जवाब क्या देंगे? विनोद जी क्या हुआ था, क्यों अमर सिंह इतना भड़के हुए हैं, थोड़ा बताएं इन लोगों को। तो जो आजम खान ने हमेशा इस तरह के स्टेटमेंट वो देते रहे हैं जो चर्चा में रहे, लेकिन अब चूंकि व्यक्तिगत रूप से अमर सिंह जी की बेटियों के ऊपर प्रहार हुआ तो अमर सिंह जी की बौखलाहट स्वाभाविक है। और उन्होंने खास तौर पर उन मुद्दों को रखा, साथ में अखिलेश जी को जोड़ा, मुलायम सिंह को जोड़ा, क्योंकि आने वाले दिनों में उन्होंने खुद घोषणा की है कि मैं रामपुर में आ रहा हूँ। मेरे साथ 30 अगस्त की तारीख भी दिया उन्होंने, बिल्कुल उन्होंने डेट दे दी है। तो इसका मतलब एक तरीके से उन्होंने आजम खान को उनके किले में ही जाकर चुनौती देने का एक तरीके से ये प्राण वो संकल्प लिया है, और वहाँ जाकर वो आजम खां के बयान पर और भी ज़्यादा जी लोग, अपने जो ग्रुप के लोग हैं जो उनके साथ समर्थक हैं, उनको इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। और उधर आजम खां भी अपनी पूरी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे जो भी इस समय चल रहा है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी राजनीति में चलती रहती है। नहीं, इस तरह की जो जिस तरह का स्टेटमेंट अमर सिंह जी ने दिया या जिस तरह का आजम खान ने दिया, अमर सिंह जी की पीड़ा है, लेकिन इस तरह के बयान सार्वजनिक रूप से नेताओं को इतना नहीं देनी चाहिए। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल राजनैतिक हैसियत से बयान दें। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ विनोद जी, थोड़ा सा मुझे समझाएं। अमर सिंह के प्रोफाइल की बात भी कर लें, अमर सिंह सबसे कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के, बहुत ही करीबी मुलायम सिंह के, अखिलेश यादव के बहुत करीबी, शिवपाल यादव के बहुत करीबी, हर लोगों के करीबी, आजम खान से कभी उनका पटा नहीं, चाहे वो पार्टी में रहे या बाहर रहे। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, इतना कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी से आज बाहर है, समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साध रहा है, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। दर्द ठीक है, अगर इसमें सच्चाई है तो वाकई में इस पर बड़ा एक्शन भी लिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ अमर सिंह आज कहाँ खड़े हैं? समाजवादी पार्टी में नहीं है क्या? बीजेपी के साथ ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने सियासी समर्थन बीजेपी को दे दिया है। कुछ कहना चाह रहे हैं बीजेपी वालों को, कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ी देर के बाद कुमार साहब से पूछेंगे, आपको क्या लगता है कि अमर सिंह खुलेआम अगर इस तरह की बात करें तो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अमर सिंह की अगर हम राजनीति की स्टडी करें गहराई से, तो आप ये जान लीजिए कि जब अमर सिंह सक्रिय होते हैं तो राजनीति में उनका अपना कोई ना कोई एक ऐसा तीर होता है
जो तर्कस से निकलता है जी, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को घायल जरूर करता है। आज की डेट में जो ये चला है, ये आजम खां के को उनके किले में घेरने की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव में सब पार्टी, जो समाजवादी पार्टी है, वो इस समय वैसे भी इस स्थिति में है कि मुलायम सिंह यादव अलग थलग हैं, शिवपाल अलग थलग हैं, और मुलायम सिंह और शिवपाल दोनों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो शिवपाल रामगोपाल जी से थोड़ा अलग हैं। तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, आजम खां केवल अखिलेश जी के साथ हैं, वो अपने को जुड़ाव तो महसूस करते हैं मुलायम सिंह के साथ। विनोद जी, थोड़ा सा एक लाइन में इसको बताएं, एक लाइन में थोड़ा मैं समझना चाहता हूं। आप एक दो घंटे पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अमर सिंह वाज प्लांटेड बाय द बीजेपी एंड आरएसएस। तो क्या अब आपको लगता है, जिस तरह से शिवपाल यादव की तारीफ की गई अमर सिंह की तरफ से, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब समाजवादी पार्टी, बयान देखिए ना, नहीं नहीं मेरी बात सुन लीजिए, शिवपाल यादव वाज प्लांटेड बाय द अमर सिंह टू क्रिएट पॉलिटिकल क्राइसिस इन द समाजवादी पार्टी। शिवपाल यादव को आगे खड़ा करने की कोशिश हो रही है अमर सिंह की तरफ से, ताकि एक पॉलिटिकल क्राइसिस बने समाजवादी पार्टी के लिए, कुछ इस तरह का आपको सीन लग रहा है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो महागठबंधन होना है उसमें मुलायम सिंह जी और शिवपाल की वो सहमति नहीं है। चलिए विभाजी के पास आते हैं, विभाजी, बसपा के साथ सहमति नहीं है उनकी। विभाजी, कितना खतरा लग रहा है इस वक्त समाजवादी पार्टी में? शिवपाल यादव जी की तारीफ हो गई, अखिलेश यादव पर निशाना साध लिया गया, मुलायम सिंह यादव को भी खरी खोटी सुना दिया गया, और आजम से 36 का आंकड़ा रहा है अमर सिंह का, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज जो नई बात थी शिवपाल यादव के बारे में तारीफ करना अमर सिंह की तरफ से, आपको क्या लग रहा है? एक थोड़ा सा आप अपना व्यू दीजिए कि समाजवादी पार्टी इस तारीफ को कैसे लेने वाली है। देखिए, मैंने फिर कहा कि अमर सिंह के बयान की कोई गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपने चुनावों में लगेगी, अपनी जीत हासिल करने के, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर काम कर रही है। आपने देखा होगा, कल भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मीटिंग ली है, आज भी मीटिंग ली है, तो वो अपने काम में लगी हुई है। केवल अमर सिंह के पास कोई काम नहीं है और बीजेपी ने कोई विकास कार्य नहीं किए हैं, तो लोगों का मन भटकाने के लिए इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, तो इसका कोई जनता पर असर नहीं होने वाला है, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी पे भी कोई असर नहीं होगा। वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत तरह के बयान दिए, लेकिन बहुत तरह के बयान दिए गए विभाजी, लेकिन शिवपाल जी को भी तो कोई काम दीजिए, शिवपाल जी को कोई काम दीजिए, वो मांग रहे हैं काम, कि मेरे पास पिछले 1.5 साल से कोई काम नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वो हतोत्साहित भी हैं, निराश भी हैं। चलिए कुमार साहब, एक जाते जाते, समय अब रहा नहीं, जाते जाते मुझे थोड़ा सा बता दें, एक पॉलिटिकल स्टैंड क्या है बीजेपी का? क्योंकि बहुत लोग ऐसा समझ रहे हैं कि अमर सिंह की वाणी जो है, दरअसल अमर सिंह की वाणी नहीं है, दरअसल वो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, बीजेपी की स्क्रिप्ट है और वही कह रहे हैं अमर सिंह। थोड़ा सा इस पर क्लियर अपना स्टैंड कर दीजिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, ताकि विभाजी को भी समझ में आ जाए और हम जैसे पत्रकारों को भी समझ में आ जाए, उसी हिसाब से अपनी पत्रकारिता भी करें हम लोग। बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है अमर सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन आज इस चैनल पे किसी पिता के द्वारा अपने दर्द को रखा गया, एक समाजवादी पार्टी की स्थापित प्रवक्ता महिला होने के नाते मैंने ये जरूर अपेक्षा की थी कि वो इस आरोप पे आजम खान साहब की निंदा करेंगी, लेकिन पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि विषय को घुमा के, अच्छा ये बताइए, उस विषय को घुमा के आडवाणी जी की निंदा क्यों कर रहे हैं? समाजवादी आडवाणी जी के साथ क्या कर रही है बीजेपी? आडवाणी जी के साथ क्या कर रही है बीजेपी? चलिए तीनों आडवाणी जी की, चलिए वक्त खत्म हो गया, कुमार साहब वक्त खत्म हो गया, विभाजी वक्त खत्म हो गया, विनोद जी आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, विभाजी का शुक्रिया, कुमार साहब का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, लेकिन चर्चा बहुत ही अच्छी रही और सीधे तौर पर निकल कर यही चीज़ आई कि अमर सिंह की जो वाणी है, दरअसल उसमें दर्द तो है, लेकिन दर्द के पीछे कुछ सियासी चाल भी है जो शायद थोड़ा समझने में भी वक्त लगेगा। बीजेपी कह रही है हमें कोई लेना देना नहीं, अमर सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। विभाजी ने सीधे तौर पर कह दिया
कि महिलाओं की सुरक्षा सभी पार्टियों की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन शायद थोड़ा सा डिफरेंस भी उन्होंने कर दिया। अमर सिंह की बेटियां अलग हैं, बाकी बेटियां अलग हैं। विनोद जी ने बताया कि किस तरह की घटना थी, क्या कुछ चल रहा है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, सब सारी तस्वीर निकल कर सामने आ जाएगी, चाहे समाजवादी पार्टी या बीजेपी की क्या प्लानिंग है, सब कुछ सामने होगा। इस बुलेटिन में इतना ही, इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।